यह कहानी के बारे में चर्चा करने से पहले यह जरूरी है कि आप खुद को ध्यान में रखें। यह एक डरावनी कहानी है और असलीता और कल्पना के बीच की कोई समानता हो सकती है। कई साल पहले एक छोटे शहर में एक बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन था। इस स्टेशन को काफी समय से बंद कर दिया गया था और उसका उपयोग नहीं हो रहा था। लोग इसे भूतों और आत्माओं से भरे हुए मानते थे। रात को उस स्थान पर जाने का कोई धार्मिक या व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था। एक दिन एक जुड़वां भाई बहन रवि और मीना इस बंद स्टेशन की तलाश में थे। वे खुद को अपराधियों के शोक संग्रहालय में चित्र चढ़ाते हुए पाए गए थे, जहां खुदाई अधिकारियों की मदद से कई मृत व्यक्तियों के लिए गुहार खींची जाती थी। रवि और मीना को उत्साह भरी भीड़ में खुदाई अधिकारियों के साथ चलने का मौका मिला। रात हो गई और खुदाई अधिकारियों ने उन्हें इस स्थान के रास्ते दिखाने के लिए बिना चिंता किए छोड़ दिया। जब रवि और मीना अकेले हो गए तो उन्होंने महसूस किया कि स्टेशन का वातावरण काफी अजीब है। ठंडी हवा उन्हें दबा रही थी और वे अनजाने में गहरे अंधकार में जा रहे थे। अचानक उन्होंने एक ऊंची आवाज सुनी जो कह रही थी, कौन है वहां? इससे वे बहुत चकित हो गए और वहां तक दौड़ पड़े। रवि और मीना ने एक आलम का सामना किया जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सफेद कपड़ों में बंधी हुई एक लड़की सड़क के बीच में थी और वह दोनों भाई बहन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वे देखते थे कि लड़की की आंखें और मुंह आंखड़ी हुई हैं और उसकी आवाज भी बहुत अनहोनी थी। लड़की ने उन्हें खींच लिया और रोई, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर जाना है, परंतु इस स्थान पर कुछ अत्याचारी आत्माएं हैं जो मुझे जबरन यहां बंद करके रख रही हैं। कृपया मुझे छोड़ने में मेरी सहायता करो। रवि और मीना ने उसे ठंडी से घिरी आवाज में सुना और उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वे लड़की के पीछे भागने लगे, परंतु जैसे ही वे एक तहरीरी विचारशील ट्रेन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि लड़की आकस्मिक रूप से गायब हो गई है। ट्रेन में सभी खिड़कियां बंद थीं और वह अकेली ट्रेन में खड़ा हो गया। इस वक्त ट्रेन गति पकड़ लेती है और चुपचाप रवि और मीना को ले जाती है। ट्रेन की यात्रा काफी देर तक जारी रही और रवि और मीना तकरीबन रात भर यात्रा करते रहे। जब वे निकट स्टेशन पहुंचे, वे देखे कि उस स्थान पर किसी खूनी प्रहार का निशान नहीं है और न ही उस भूत लड़की का कोई सूचकांक। ये जानकर वे चकित रह गए कि शायद वह भूत लड़की केवल उनकी कल्पना थी। रवि और मीना बहुत ही भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी रेलवे स्टेशन की यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। वे जब घर पहुंचे तो उन्होंने यह खोजा कि उनके पास एक पुरानी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जिसमें उनकी एक भाई बहन अपराधियों के साथ दिख रहे थे।